मध्य प्रदेश के विदिशा में स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड की सलामी लेते समय वन मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार को अचानक चक्कर आ गए। मंत्री जी गिरने लगे तो उन्हें उनके बगल में खड़े एसपी, कलेक्टर और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाल लिया। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उसके बाद पता चला कि मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर की शुगर बढ़ गई थी, शुगर का लेवल बढ़ गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गए स्वतंत्रता दिवस समारोह में। तो विदिशा में आपने देख रहे हैं आप तस्वीरों में किस तरह से डॉक्टर गौरी शंकर सलामी ले रहे थे, उसी दौरान उन्हें चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गए। ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, अभी डॉक्टर गौरी शंकर की तबीयत कैसी है? देखिए, जो मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार, वो विदिशा में जिस जगह पर ध्वजारोहण कर रहे थे, उसके बाद जब सलामी निकल रही थी, उस समय जब सलामी ले रहे थे, उसी दरमियान अचानक उनको चक्कर आए और वो जब जैसे ही गिरने लगे तो उनको पास में खड़े कलेक्टर, एसपी और उनके सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। उनको आनंद फानंद में तुरंत अस्पताल लेके जाया गया। शुरुआत में आशंका जताई गई कि ऐसा ना हो उनका ये हृदयाघात हो या हार्ट अटैक हो, मगर उनका अस्पताल में आधे घंटे रखा गया और उसके बाद जब उनका डॉक्टरों ने परीक्षण करने के बाद अब वो स्वस्थ हैं और वापस उन्होंने इस प्रोग्राम में आके अपनी शिरकत की और लोग जनता को एहसास कराया कि नहीं, अब वो बेहतर हैं, अब वो एकदम स्वस्थ हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अचानक उनकी शुगर बढ़ गई थी जिसके चलते उनको चक्कर आ गए थे और ये अप्रिय स्थिति बन गई थी उस समय, मगर अब डॉक्टर शेजवार एकदम स्वस्थ हैं और वापस वो उस प्रोग्राम में आए जिस जगह से उनको ले जाया गया था और अब वो एकदम स्वस्थ हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश ये खबर के बारे में जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि ब्रजेश बता रहे थे, मध्य प्रदेश के मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और फिर बाद में पता चला कि उनकी शुगर का लेवल बढ़ गया था, इस वजह से फिलहाल वो स्वस्थ हैं।